नमस्कार, आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में मैं संपदा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के जरिए आजकल हम जिन बीमारियों के नाम से ही डर जाते हैं, ऐसी कुछ जटिल बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं और उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज ऐसी ही एक बीमारी है जिसके बारे में हम बात करेंगे और वो बीमारी है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस किस वजह से होता है, इसके अंदेशे कई बार हम लगाते हैं लेकिन कितना सही है हमारा अंदेशा, इसी के बारे में जानेंगे। और अगर लिवर सिरोसिस से हम पीड़ित होते हैं तो कैसे अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ है मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी, जिनकी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो लिवर सिरोसिस जैसी कई जटिल बीमारियों से मुक्ति पा चुके हैं और एक अपना नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्ते सभी प्रेक्षकों को, नमस्कार। और जैसे शुरुआत में मैंने कहा, लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली, अगर हम बात करें नॉर्मल, एक जो कॉमन लोग होते हैं उनकी कुछ अंदेशा होता है कि पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की वजह से ही लिवर सिरोसिस होता है, या ऐसे हमारे अंदेशे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लिवर सिरोसिस एग्जैक्टली होता क्या है। लिवर सिरोसिस मतलब जो नॉर्मल लिवर टिश्यू होता है, नॉर्मल लिवर टिश्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू और फाइब्रोटिक टिश्यू, उससे लिवर का फंक्शन कम होता है और अगर वैसा ही रह गया तो पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इतनी ये जो बीमारी है खतरनाक, जैसे आपने बताया कि पेशेंट का मृत्यु भी हो सकता है, किस वजह से होता है लिवर सिरोसिस? लिवर सिरोसिस के बहुत से कारण है। भारत में और पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन कारण है, वो है अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। दारू ए बड़े पैमाने पे स्पेशली यंग लोगों में लिवर सिरोसिस का कारण बन रहा है। बाकी के कुछ कारण भी है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस थोड़े अनकॉमन है। बाकी कारणों में कुछ ड्रग्स है, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि आइबुप्रोपेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ बार एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग, एंटी पायरेटिक ड्रग। बीच में एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पता चला था कि पैरासिटामोल जैसी हार्मफुल नहीं है ऐसे समझने वाली भी जो दवा है, वो भी एक महीना ले लिया तो उससे लिवर सिरोसिस हो सकता है। वो अपने से तो रिवर्स होता है मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, लेकिन उससे लिवर सिरोसिस हो सकता है। ऑटोइम्यून लिवर सिरोसिस नामक भी एक बीमारी है, नैश लिवर सिरोसिस ऐसी भी एक बीमारी बोलते हैं। कुछ लोगों में, बच्चों में भी लिवर सिरोसिस होता है, जैसे कि बर्ड चियारी सिंड्रोम, विल्सन डिसीज, ऐसे बहुत से कारण लिवर खराब होने के पीछे है। सर, अभी आपने जो बताया कि कुछ दवाइयां जैसे पैरासिटामोल अक्सर हम यूं ही ले लेते हैं, बस थोड़ा सा बुखार जैसे लग रहा है या ऐसे, बट सबसे मेन जो हम सोचते हैं कि शराब की वजह से लिवर सिरोसिस होता है, तो आपसे जानना मुझे ये है कि शराब कितनी हानिकारक होती है हमारे लीवर पर? शराब बार बार ले लिया, समझो हर रोज कोई शराब लेता है, कम मात्रा में लेकिन बहुत साल से ले रहा है, या ज़्यादा मात्रा में कम साल ले रहा है, तो उसको लिवर सिरोसिस होने वाला है। बहुत लोग शराब के साथ कुछ खाते पीते नहीं है, खाते नहीं है, मतलब सलाद वगैरह या फिर सिर्फ शराब ही पीते जाते हैं, ऐसे लोगों में जल्दी जल्दी लिवर खराब होता है, उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं, उसको अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस ऐसा बोला जाता है। जी सर, लक्षण क्या हो सकते हैं लिवर सिरोसिस के? लिवर सिरोसिस के लक्षण, अगर कारण कोई भी हो तो लक्षण सामान्य मतलब कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि जब लिवर खराब होता है तो पीलिया होता है बहुत से लोगों में, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ ऑल ओवर द बॉडी, उसको पीलिया बोलते हैं। दूसरी बात, एक्यूट मेडिसिन नामक एक कंडीशन होती है जिसमें कॉबवेब बोलते हैं उसको, कॉबवेब जैसे शरीर के ऊपर लक्षण आ जाते हैं। ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ ऑल ओवर बॉडी, ये जो लिवर सिरोसिस की वजह से होता है, अगर गोरे रंग का पेशेंट है तो काला ऐसा दिन ब दिन होता जाता है। दूसरी बात, पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से खून का रिसाव होता है संडास की जगह से, और वॉमिटिंग भी होती है खून की, उसको मलीना बोलते हैं।
दूसरी बात, जो लोगों में लिवर सिरोसिस होने के बाद पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, जो पोर्टल वेनस सिस्टम रहती है उसमें एक गठान पैदा होती है खून की, उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से खून का रिसाव होता है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड या मलीना मतलब संडास की जगह से भी खून जाता है, वो ट्रीट कर दिया, उसको बैंडिंग करते हैं, बैंडिंग करने के बाद लोगों में एसाइटिस शुरू हो जाता है। जब एसाइटिस होता है मतलब पेट में पानी होता है, तब लीवर नियर अबाउट 85-90% खराब हुआ होता है। तो ये कॉमन लक्षण है। उसके साथ खून शरीर में खून की कमी होना, क्योंकि रिसाव होता है खून का या वॉमिटिंग होता है। दूसरी बात, बार बार टेम्परेचर आ जाना, फीवर रिपीटेडली आ जाना, वेट लॉस होना, पेट की साइज बड़ी हो जाना एसाइटिस की वजह से, मसल मास कम होने की वजह से, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो लीवर का महत्वपूर्ण फंक्शन है वो बंद हो जाता है, तो वेट लॉस होना, ऐसे लक्षण है, ऐसे लक्षण लीवर सिरोसिस में दिखते हैं। सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम जानना चाहेंगे वो ये कि एक कहीं ना कहीं कॉमन सोच है कि शराब अगर ज़्यादा पीते हैं, और अभी आपने भी कहा कि शराब की क्वांटिटी या फिर जो टाइम पीरियड है जब अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हानिकारक है ही, पर कुछ लोग हैं जो कुछ साल रेगुलरली शराब पीते हैं या जैसे भी, पर शराब बाद में छोड़ देते हैं, तो क्या शराब छोड़ने के बाद भी लिवर सिरोसिस का खतरा बना रहता है ना, क्योंकि बहुत साल उन्होंने शराब पी है, तो लीवर अगर खराब हुआ है उनका तो प्रोग्रेसिव है, वो पैथोलॉजिकल चेंजेस होने वाले है और लीवर खराब हो सकता है। तो शराब मतलब हम कह सकते हैं कि हानिकारक है। हाँ, शराब बहुत ही हानिकारक है। और लिवर सिरोसिस के लिए जो चीजें सर ने बताई हैं उनका अगर हम ख्याल रखें तो इस बीमारी से बचने के बहुत चांसेस हैं। सर, आपके एक पेशेंट है शतायु सावंत जी, जो आपकी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद अब काफी राहत मिली है उन्हें इस बीमारी से, तो आपसे उनके बारे में जानना। शतायु सावंत यंग एज वाले पेशेंट है, वो जब हमारे पास आए थे, वो लातूर से बिलोंग करते हैं, हमारे पास जब आए थे तो लीवर उनका पूरी तरह खराब हुआ था, नियर अबाउट 85-90% लीवर खराब हुआ था, क्योंकि उनमें एसाइटिस था, बहुत बड़े पैमाने पे पेट में पानी हुआ था, बारम्बार पानी निकालने की नौबत आती थी, बारम्बार वो हॉस्पिटलाइज होते थे। दूसरी बात, उनको पीलिया था, करीबन 22 बिलिरुबिन उनका दिखता था, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे था, बिलिरुबिन अगर बढ़ गया होता वैसे तो वो जीवित नहीं रह सकते थे, खून का रिसाव होता तो वॉमिटिंग ऑफ ब्लड और संडास की जगह से भी उनका खून जाता था, तो काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। जैसे मैंने बताया 85-90% लीवर उनका खराब था, उनको इमीडिएट लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए उनके जो डॉक्टर थे वहाँ के, उन्होंने या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने, बड़े हॉस्पिटल ने उनको सलाह दिया था। वैसे पेशेंट हमारे पास आ गए, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, पहले कुछ ही दिनों में उनका एसाइटिस पूरी तरह चला, जो पेट में पानी भरा था उसको एसाइटिस बोलते हैं, वो पूरी तरह से चला गया, जो पीलिया था वो कम हो गया, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में तो उनका पीलिया करीबन 3-4 के दरमियान ही है, तो बहुत कम हुआ है, तो अभी उनको जान को खतरा नहीं है। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होता था और मलीना जो होता था संडास की जगह से खून आना, रिसाव होना, वो पूरी तरह बंद हुआ है, उनका वेट लॉस हुआ है, वो खाना अच्छा खाते, बारंबार उनको बुखार आता था वो पूरी तरह बंद हुआ है और पूरी तरह स्वस्थ है, विद इन 3-4 मंथ में ही इतनी इम्प्रूवमेंट है, तो उनको इसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो उनको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 90% जिनका लीवर खराब हुआ है, ऐसे पेशेंट को भी ट्रांसप्लांट करने के बजाय मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से राहत मिली है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी, अगर वो डाइट करते हैं प्रॉपर डाइट तो पूरी तरह वो ठीक हो सकते हैं। सर, आप तो दावा कर ही रहे हैं, पर अब शतायु जी से भी बात कर देखते हैं कि उन्हें इस जीवन की जंग में जीतने के बाद कैसा लग रहा है और मॉडर्न होम्योपैथी का उनका अनुभव कैसा है। शतायु सावन, उम्र 29 साल, लातूर के रहवासी, इनको लीवर सिरोसिस, इस बीमारी की वजह से इन्हें उल्टी होना, जी मचलना, थकान, सूजन, कमजोरी, ऐसी तकलीफें थी। उन पर पुणे के अस्पताल में 2 महीने के लिए इलाज हुए, डॉक्टर ने उनको लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। नमस्कार, मेरा नाम शतायु सावंत है और मेरी उम्र 29 साल है और मैं लातूर का रहवासी हूँ। मुझे मार्च में लीवर की तकलीफ शुरू हुई थी और जब मैंने पुणे के अस्पताल में दिखाया, वहाँ मुझ पर 2 महीने के लिए इलाज हुए, डॉक्टर ने मुझे लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी।
उनके रिश्तेदारों ने उनको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताया। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज लेना शुरू कर दिया। इलाज शुरू करने के बाद उनको एक महीने में फर्क महसूस होने लगा। मेरे रिश्तेदारों से मुझे मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला और पिछले एक महीने से मैं मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज ले रहा हूँ। मेरा बिलीरुबिन 24 था। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद मेरा बिलीरुबिन 3 तक कम हुआ है। हीमोग्लोबिन मेरा 3 तक कम हुआ था और वो अब 11 तक बढ़ चुका है। मेरे प्लेटलेट्स अभी बढ़ चुके हैं। मेरा पीलिया भी कम हो चुका है और अब रिजल्ट अच्छे हैं। डॉक्टर माने सर के गाइडेंस में मैं रहता हूँ। माने सर सही इलाज बताते हैं। उनके रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। एक महीने में मुझे इतना अच्छा फर्क मिला कि मुझे लीवर ट्रांसप्लांट की अब जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं डॉक्टर माने सर को धन्यवाद कहता हूँ। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से पीलिया कम हुआ है। इनका बिलीरुबिन 24 था, वो 3 तक कम हुआ। हीमोग्लोबिन 3 तक कम हुआ था, वो अब 11 तक इतना बढ़ गया। इनकी प्लेटलेट्स 56,000 थी, वो भी बढ़ के 2,17,000 इतनी हो गई। उनके सारे रिजल्ट नॉर्मल है। वे अब सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सर, शतायु जी से तो उनका अनुभव जाना, वो बड़े ही खुश हैं। और जाहिर है खुश होना भी चाहिए, हर कोई एक सामान्य जीवन जीना चाहता है और आपने इतनी मदद की है उनकी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लिवर सिरोसिस के बारे में आप क्या अनुभव अपना शेयर करेंगे, जो इतने साल आप ट्रीट कर रहे हैं इतने पेशेंट्स को, तो उसके बारे में। शताय जी के बारे में एक बात बताना मैं भूल गया, उनका प्लेटलेट भी बहुत कम थे, अभी पूरी तरह प्लेटलेट नियर नॉर्मल आ गए हैं। तो मतलब सभी तरह से वो ठीक हो रहे हैं, वो सिद्ध होता है विथ रिपोर्ट। हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, प्लेटलेट बढ़ रहे हैं, WBC नॉर्मल है, पीलिया चला गया, बाकी के लक्षण सब चले गए, वो तो मैंने बता दिया। तो पिछले 29 साल से ये अपना मॉडर्न होम्योपैथी का रिसर्च वर्क है, इससे ये सिद्ध हुआ है। बहुत से पेशेंट है, नियर अबाउट लैक्स अपने पास पेशेंट रहेंगे और भारत में और भारत के बाहर भी अनेक कंट्रीज में मॉडर्न होम्योपैथी के पेशेंट हैं, जिनमें जिनको लीवर सिरोसिस के वजह से ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला था, लेकिन उनको ट्रांसप्लांट करने की नौबत नहीं आती है। वो एक डाइट प्रॉपर करेंगे, मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक प्रिस्क्राइब पीरियड लेना पड़ता है, उतना ले लेंगे तो उनको ट्रांसप्लांट करने की नौबत नहीं आती। ऐसे पिछले 29 साल में सिद्ध हुआ है, कोई भी पेशेंट हमारा ट्रांसप्लांट के लिए नहीं गए हैं। ऐसा है ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये बातचीत जो है हम सभी के लिए एक कहीं ना कहीं सुखद ऐसी बातचीत रही, क्योंकि जिस बीमारी के नाम से हम सब सिर्फ नाम सुनते ही डर जाते हैं, ऐसी बीमारी से निजात देने में मॉडर्न होम्योपैथी पिछले 29 साल से कामयाब रहा है। लेकिन जाते जाते इतना ही कहूँगी कि भले ही इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हमें मिल रही है मॉडर्न होम्योपैथी के ज़रिए, लेकिन कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहने की हर मुमकिन कोशिश करें। उसके बावजूद अगर किसी बीमारी से जूझना पड़े तो मॉडर्न होम्योपैथी हमारे साथ हमेशा है। आज का ये एपिसोड, आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे और जानेंगे ऐसी ही किसी एक जटिल बीमारी के बारे में और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी से हमें मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद।